हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना की घुसपैठ, न्यायाधीश का निजी सचिव निकला कोरोना पॉजिटिव, हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में कार्य स्थगित। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में गुरुवार को एक न्यायाधीश के निजी सचिव के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में हाईकोर्ट का कार्य स्थगित कर दिया गया। सभी वकीलों को कोर्ट परिसर से बाहर जाने का कह मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि आज एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी उसके संपर्क में आए थे। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने आज एक दिन के लिए कार्य स्थगित करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के सैंपल लिए जाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के रेडार भी पहले कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तब भी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को होम आइसोलेट किया गया था। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक कार्यालय में गत सोमवार को कार्यभार ग्रहण करने वाले एक प्रबंधक, हाईकोर्ट ब्रांच के 2 और NRI ब्रांच के 3 सहित कुल 6 अफसर इन दिनों COVID-19 पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके चलते जहां प्रशासनिक कार्यालय मंगलवार व बुधवार को बंद रहा, तो हाईकोर्ट ब्रांच को भी कुछ समय के लिए बंद रखा गया था। इसी तरह NRI ब्रांच में पहले 1 अधिकारी व बाद में 2 अधिकारी पॉजिटिव आए, तो इस ब्रांच के कामकाज को नजदीकी शाखा में शिफ्ट करना पड़ा। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।